कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने होमवर्क ना किया हो। बताओ बेटा, होमवर्क मेरे पास आया नहीं किसी का भी। रामे का आपने किया? रामे का श्रेया बेटा आपने किया होमवर्क? नहीं सर, तो फिर आज क्लास में आने का मतलब क्या? सर मुझे पता नहीं है कौन सा होमवर्क। यार श्रेया कैसी बात कर रही है बेटा तू? सर लास्ट क्लास की वीडियो नहीं भेजी आपने? आप आए नहीं थे? नहीं, मैंने आपको मैसेज करा था। तो उसके बाद आपने मुझे दोबारा मैसेज ही नहीं किया? आपको आज की क्लास में क्लैरिटी होने? अच्छा, आज की क्लास से पहले का काम डन है आपका? हाँ सर, जहाँ तक आपने बोला था वहां तक तो असाइनमेंट के 18 क्वेश्चंस कहते हैं मैंने। नहीं सर, असाइनमेंट नहीं कर रखे। अच्छा फिर महक मुझे सिर्फ वो बच्चे बताए जिनका होमवर्क डन है। असाइनमेंट में आई गेस क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 23, और बुक के मैंने कहे थे ग्रेवाल के क्वेश्चंस रन करना है। किसका काम डन है? सर बस थोड़ी इलस्ट्रेशंस रह गई हैं, आपने बेटा 5 के बाकी का सर। काम कर लिया? ठीक यस सर, असाइनमेंट हो गया और बुक भी हो गई अनसॉल्व। है, और सर डाउट एक दो क्वेश्चन में है। मैं 1 मिनट ले रहा हूँ। आज बाकी सारे बच्चे बाहर जाएंगे जिनका काम अंडर है। बाकी लोग सर मेरी भी इलस्ट्रेशंस रह गई है बस थोड़ी इलस्ट्रेशन से कोई बाकी में। फर्क नहीं पड़ता मुझे, यहाँ तक डन है या नहीं बस ये बता दो। 1 to 22 ना 22, 23 जो भी थे, असाइन। हाँ असाइनमेंट कर लिया, और बुक के क्वेश्चंस बुक के भी अनसोल्व कर लिया, ठीक है। डाउट्स है लेकिन मेरे। डाउट सभी लेते हैं एक बार, ये सारे बच्चे देख लें आज। और किसका ओके काम सर। अंडन है या डन है? मैं सर हाँ जी सोनल, सर मैंने असाइनमेंट कर ली और बुक के क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशंस करी हैं थोड़ी ठीक है बहुत, पर समझ आ गए। ठीक है। सोनल आज की क्लास में रहेगी। मेहर, वेदिका, चयन, निश्चय, सर असाइनमेंट हो गया है, पूरा बुक नहीं हो पाई मेरे से सर अभी। बुक नहीं हो पाई थी। चयन सर सर बुक नहीं ने हो तो पाई भैया बुक आनी थी, करी है। असाइनमेंट हो गई है। जिन लोगों का भी काम डन है या अनडन है मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे पास इमेजेस नहीं आई बेटा आज
तक, तो फिर नेक्स्ट क्लास से वो बच्चे क्लास में नहीं बैठेंगे। और अभी तक जितना भी आप कर रहे हो उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं हो रहा, नेक्स्ट क्लास में 8 मार्क के क्वेश्चन होने हैं। जैसे मर्जी करो, सैटरडे तक मुझे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन चाहिए, असाइनमेंट प्लस बुक, कैसे भी। पॉसिबिलिटी यही है, हो सकता है मैं आपको सैटरडे की जगह ट्यूसडे तक का टाइम दे सकता हूँ। रीजन, सैटरडे को टेस्ट डिस्कस होंगे, जिन लोगों के टेस्ट पेंडिंग है। महक कहाँ है हमारी आज क्लास में? यस सर। महक टेस्ट कहाँ आपके बेटा? सर मैंने अकाउंट्स का दिया था। चलो फिर इको की क्लास में बात करेंगे। और किस किस के टेस्ट पेंडिंग है? मेरे, हाँ मोहित सर मेरे टेस्ट पेंडिंग है। तो मेरे भी। क्यों भाई, मेरे को बताओ। सर मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मतलब टीचर्स प्रोजेक्ट वगैरह मांग रहे हैं तो वो कंप्लीट करके सबमिट कर रही हूँ। मैं आपको टेस्ट दे दूंगी। मोहित का तो चलो एक मेरे को पता था कि उसका एक टेस्ट पेंडिंग है। शुभी के क्यों पेंडिंग है? तो वो स्कूल में मैम वो टेस्ट वगैरह भी ले लिया और फिर प्रोजेक्ट वगैरह भी करना है, तो सर मैं अभी थोड़ा, मैं आपको सैटरडे संडे तक दे दूंगी। सैटरडे से पहले पहले सबमिट करना है कैसे भी, क्योंकि सैटरडे की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट के ऊपर। एंड देन ट्यूसडे तक आप लोगों को हर हाल में मुझे सारी की सारी इमेजेस फॉरवर्ड करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्यूसडे की क्लास में आना ही आपकी तरफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा का पूरा असाइनमेंट आज कंप्लीट हो जाएगा, और बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सारे मुझे रिटर्न में चाहिए। सारे के सारा काम मैं लिटरली एक एक बच्चे का बैठ के चेक करूंगा, क्योंकि जिनको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं आता होगा वो आगे के टॉपिक्स में हिलते जाएंगे। फिर सर मैंने ना पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं देखी। कोई लेना देना नहीं है उससे, पिछली क्लास तक का आता है सारा। हाँ मतलब देखी नहीं, उससे पहले का सारा आता है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे 18 फिर असाइनमेंट के? 18 तो नहीं करे, सर स्टार्ट तो करे थे मैंने शायद। मोहित अब अगर ऐसे तू करेगा तो बेटा फिर बाकियों से क्या बोलेंगे? सर मेरे पता नहीं ये अब दर्द, मतलब सुबह चालू होती है हिकअप्स वगैरह, दिन में बंद हो जाते हैं अपने आप। दवाई लेने की हालत नहीं थी तुम्हारी क्लास लेने के, लिटरली मेरी आईज में इतना पेन हो रहा है, मैं फिर भी आज बैठा हूँ तुम्हारे साथ। प्रॉब्लम बेटा है, तेरे साथ भी है मेरे साथ भी है, बट थोड़ा बहुत करना पड़ता है यार। हाँ सर, 4 दिन में 18 क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 18 क्वेश्चन करने में मुझे 20 मिनट लगेंगे, तुम्हें 40 मिनट लग सकते हैं। 4 दिन में 40 मिनट, 10 मिनट की एवरेज नहीं निकाली मतलब मोहित ने। अब मैंने पढ़ाई करी नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ इतने दिनों से, मतलब कर लूंगा अगली क्लास तक। कनिष्क और यश इनके भी टेस्ट काफी पेंडिंग है। वामिका कहाँ है? वामिका की आवाज ही नहीं आ रही आज मुझे। यस सर। कहाँ पे बेटा आपका होमवर्क और टेस्ट? सर टेस्ट ना भी करे नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। स्कूल का बहुत काम पेंडिंग चल रहा है, तो सारी टीचर्स मांग रही है और पेपर्स भी शुरू है। वो तो होने ही है, बट फिर उस केस में तो हम क्या करें, मैं अपनी क्लासेस सस्पेंड कर दूंगी मीनवाइल। मैं आपको कल तक सारे टेस्ट दे दूंगी, मेरे 2 अकाउंट्स प्लस पेंडिंग चल रहे हैं। हाँ नोट्स पे आओ बेटा, जिनके डाउट्स है पहले डाउट्स लेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी डाउट्स फायर करो मेरे ऊपर। अक्षय आपने किया बेटा होमवर्क? 1 to 23 ये पूरा असाइनमेंट है ना? हाँ जी, आज मैं पूरा असाइनमेंट कंप्लीट। नहीं सर। अक्षय पर क्यों नहीं किया बेटा? तो मेरे 2 दिन से तबियत खराब है सर, आज भी खराब है सर, हल्का सा बुखार है। कोई नहीं, ध्यान रखो फिर। हाँ जी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जल्दी जल्दी से क्या डाउट्स आए हैं? डाउट्स से आएंगे कुछ बच्चों के। रिधि आपका डाउट था बेटा कोई?
यस सर, एक सेकंड में असाइनमेंट खोल रही थी। सर असाइनमेंट का जो 28 क्वेश्चन है और काइन का जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी मुझे ना लैंग्वेज लास्ट लाइन समझ नहीं आई। ये कह रहे अमर अकबर 3-2 में शेयर कर रहे थे। एंथनी अंकल आए हैं कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, जो कि वो इक्वली ले रहा है अमर और अकबर से, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई हमारे पास 1:1। इसके बाद एंथनी जो है, पहले तो देखो कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है नहीं दी हुई, तो मतलब एंथनी जो भी लाया उसको डेबिट करते हैं। एंथनी अंकल कैश लाए हैं कितने रुपए का, 50,000 का, मशीनरी 40 की। कैश लाया 50,000, मशीनरी लाया 40,000, बिल्डिंग है 1,00,000 रुपए की। फिर बिल्स पेबल लाया है 60,000 रुपए के, 2 bills payable 60,000, और जितना भी बैलेंस अमाउंट है उसमें से 1,00,000 रुपए हो गई एंथनी की कैपिटल। एंथनी की कैपिटल है 1,00,000 रुपए। क्रेडिट में अभी भी बैलेंस आ रहा है 30,000 रुपीज का, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसे प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल लाना कितना था, 50,000 रुपए, जबकि वो कितने लाके दे रहे, 30,000 रुपए। बस ये हो रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर। नहीं आया समझ में? सर एक सेकंड देख रही हूँ। ये सॉल्यूशन है बेटा इस क्वेश्चन का। उसे टोटल लाने थे 50,000 रुपए, पर जो भी वो अमाउंट लाया टोटल, वो असेट्स हमारे पास लाके दे रहा है 190 की, लायबिलिटी 60, यानी बैलेंस बच गया 130। 130 में से 1,00,000 उसकी कैपिटल है, यानी 30,000 हो गया उसका प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम उसे टोटल लाना था 50, लाया है 30, तो बाकी के 20,000 उसकी कैपिटल में माइनस कर दो या फिर उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर दो। टोटल 50,000 रुपए का प्रीमियम दोनों के अंदर इक्वली बांट दो 25-25। थर्ड मेथड लग रहा था इसमें। ओके सर, ओके। सर हाँ जी सर, एंथनी का 1,00,000 कैपिटल हमारा कैसे आया, एक बार दोबारा बता दो। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, यही लिखा हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर के 1,00,000 जो है वो कैपिटल माननी है। ओके सर, सो देखो खुद देखो, वो कह रहे हैं कि टोटल 1,30,000 रुपए की वो असेट और लायबिलिटी लाया, आउट ऑफ दीस रुपीज 1,00,000 आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल। ये हमें पता है कैपिटल है, तो 30,000 ऑब्वियस है कि वो प्रीमियम होगा आउट ऑफ टोटल 50। मनमीत जो आपका डाउट है बेटा वो अभी नहीं करना आपने, वो थोड़ा हैवी है, इस साल ऐड हुआ है क्वेश्चन, ये अभी नहीं कर पाओगे आप। ओके सर, सर मैं एक और क्वेश्चन सेंड कर रही हूं, वो भी देख लो। और कोई डाउट हो किसी का? 21 क्वेश्चन नंबर 21 जया, मेरे को एक बार इमेज फॉरवर्ड कर दीजिए सर असाइनमेंट का। अच्छा, गेनिंग पार्टनर का केस 3-2 1/10 80,000। क्वेश्चन नंबर 21 असाइनमेंट में है, ए और बी की रेशो है 3-2 की, सी आया है 1/10 शेयर के लिए। फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो इक्वली शेयर कर रहे हैं, यानी न्यू रेशो आ जाएगी आपके पास 9, 9 और 2, यही आ रही है न्यू रेशो आपकी। चेक करना बेटा, न्यू रेशो यही आ रही है। सेक्रीफाइसिंग निकाल देते हैं। क्या चीज
तीन अपॉन पांच यानी के हो जाएगा 12/20, 8/20 हो गया सॉल्व। -9/20, -9/20, 3/20 और -1/20। बी ने गेन किया है 1/20 का। कोई डाउट जया बेटा यहाँ तक? अरे न्यू रेशियो कैसे आई? मैंने बेटा अपना सॉल्व कर लिया अपने दिमाग में। आप लेट द टोटल प्रॉफिट लेके जब सॉल्व करोगे, फर्स्ट मेथड पार्ट बी लग रहा है इसके अंदर। 9/10 बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट, उसको आधा आधा बांट दो। 9/20, 9/20 और वो आया 1/10 शेयर के लिए, इनटू 2/2 कर दो तो 2/20, 9/9, 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बी ने गेन किया है 1/20 का। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 8 लाख रुपए की, उसका 1/20 हो जाएगा ₹40,000। तो बी 40,000 रुपए का प्रीमियम देगा। ये 8 लाख कैसे निकला जाए आपको पता है ना? 80,000 × 10। तो पहली एंट्री हो जाएगी हमारे पास कैश टू सीज गुडविल। कैपिटल तो नहीं लाया वो, कुछ नहीं कहना। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल लाए सिर्फ 80,000 रुपए। देन प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 80,000 रुपए का, और 40,000 रुपए का जो है बी की कैपिटल। सारा का सारा अमाउंट हम देंगे ए को, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,20,000। असाइनमेंट में और किसी का कोई डाउट है सर? हाँ जी सर, जो आपने अभी 21st क्वेश्चन करा है उसमें हमें दे तो रखा है कि ए और बी फर्दर डिसाइडेड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। हाँ जी, तो फिर आपने न्यू रेशियो क्यों निकाली? तो आपके हिसाब से ये इक्वल क्या है बेटा? 1:1। यस सर। तो एक बार बताओ, ओल्ड पार्टनर्स ए बी थे, 3-2 में शेयर करते थे, नए पार्टनर कौन होंगे? ए बी और सी होंगे, सिर्फ ए बी होंगे? ए बी और सी। तो इसमें ये 1 ले रहा है, ये 1 ले रहा है, और ये 2 ले रहा होगा, ये भी 1 ले रहा है। सर वो तो कुछ दिया ही नहीं ऐसा। तो यही तो चीज है ना बेटा, हमें फ्यूचर रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ा सॉल्व करने के लिए। अच्छा ओके सर, समझ आ गया। हाँ। असाइनमेंट में और कोई डाउट? जय क्वेश्चन 25 नहीं करना बेटा बुक का। सर मैंने आपको क्वेश्चन 36 सेंड किया। मैं देख रहा हूँ, इसको भी ड्रॉप करो बेटा 36 भी। सर इसके ऊपर वाला भी? 36 के ऊपर वाला कौन सा है? 35। मोहन सोहन जो है 3-2 में करते हैं। ये कर लिया वैसे आपने इससे ऊपर वाला 35? नहीं सर, वो भी डाउट ही है। हाँ तो उसे भी अभी रहने दो, क्योंकि उसको मैंने आज करवाना है टॉपिक्स को, ऐसे एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वो सब आज मैं करवाऊंगा। ओके सर। और किसी का कोई डाउट है असाइनमेंट या बुक में से तो आप पूछ सकते हो बेटा। नहीं है। सो आज हम बेटा एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। टू कैलकुलेट प्रीमियम, अभी तक हमें प्रीमियम कैसे गिवन था? हमने फर्स्ट केस किया था जब प्रीमियम का अमाउंट डायरेक्टली गिवन होता है। साहिल आपने किया बेटा होमवर्क? नहीं सर। क्यों? सर ईको के थोड़े से क्वेश्चंस करे थे, बाकी सर प्रोजेक्ट भी मिला हुआ। यार ये ना, तुम फिर सो कम, गेम्स कम खेलो, सब लोग टीवी कम देखो, जो मर्जी करो, बट काम पेंडिंग को मत लटकाओ। मैंने फर्स्ट डे सबसे पहले वर्ड से मेरे के एडमिशन के अंदर कोई पंगा नहीं चाहिए मुझे।
और ये टॉपिक ऐसा है भी नहीं कि मैं दो दिन ऑफ दे दूं तुम्हें और फिर रिज्यूम करवाऊं, सब उड़ जाएगा, तो इससे बेटर है। तुमने देखा मैंने चेकलिस्ट दी है कितनी सारी टाइप्स हैं उसके अंदर, याद कैसे रहेंगी बिना प्रैक्टिस किए। अभी सिर्फ एक ऑथर कर रहे हो, अभी सेकंड ऑथर पे भी जंप करना है इसके। किसी के पास बेटा अगर डीके गोयल है ना, डीके गोयल में से न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो की इमेजेस फॉरवर्ड कर देना, और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की उसमें ग्रुप पे सब लोग अपने आप, अगर किसी के पास सिर्फ एक ऑथर है ग्रेवाल, वो कोई एक ऐसा दोस्त ढूंढे जिसके पास डीके गोयल हो, अगर कोई ऐसा है जिसके पास डीके है वो ऐसा दोस्त ढूंढो जिसके पास टीएस है, दोनों ऑथर्स की प्रैक्टिस डन करनी है अपने ट्यूजडे तक। अभी आप लोगों का काम है, संडे को ऑफ होता है सबका, ट्यूजडे तक ये काम डन करना है आप सबने, दो ऑथर अपने कंप्लीट करके दो। सो प्रीमियम बेटा अभी तक हमें दो तरीके से गिवन है, या तो डायरेक्टली गिवन होता था या टोटल गुडविल होती थी। जब डायरेक्टली प्रीमियम गिवन होता था हम कुछ नहीं करते थे, डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करते थे प्रीमियम रिसीव्ड की और डिस्ट्रीब्यूशन की। ऑन दी अदर हैंड जब हमें टोटल गुडविल गिवन होती है तो हमारे पास स्टेप नंबर वन आ जाता था प्रीमियम कैलकुलेट करने का। प्रीमियम होता था टोटल गुडविल इनटू सी का शेयर, देन उसके बाद हम स्टेप टू के अंदर जर्नल एंट्री पास करते थे। अब हमारे पास आ रहा है थर्ड केस, आपको टोटल गुडविल भी गिवन नहीं है और प्रीमियम भी गिवन नहीं है, बट आपको टोटल गुडविल की वैल्यूएशन गिवन है कि किस बेसिस पे होगी। सो ये हमारा आज का टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप लोग एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ जल्दी से, आप लोग अटेम्प्ट करोगे आपसे हो सकता है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं स्टिल, 25th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 5:3 के अंदर शेयर करते हैं, सी आया है 1/5 शेयर के लिए, सी 50,000 कैपिटल ला रहे हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहे हैं, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। हमें गिवन है कि टोटल गुडविल जो है वो 2 years परचेज, जितना भी ईयर्स परचेज दिया हो उससे मल्टीप्लाई करो किसे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, 60, 50, 75 और 55 ओवर 4, 1 10, 1 80 और 60, 2,40,000 अपॉन में 4, यानी एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास 60,000 रुपीज। यहां से मेरे पास टोटल गुडविल आ जाएगी 2 × 60,000, 1,20,000। अब टोटल गुडविल हमारे पास आ गई है, सी का शेयर 1/5 है, हमें पता है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम का क्या मतलब है। हो जाएंगे क्वेश्चन सबसे, सर एक बार एवरेज प्रॉफिट वाला पॉइंट बारे बता दो, हमने क्यों निकाला। बेटा क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि टोटल गुडविल जो है वो 2 × एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 साल अगर पता चल जाए तो आप गुडविल निकाल लोगे। यस सर। अगर पूरी फर्म की गुडविल आ गई तो सी का प्रीमियम निकल आएगा, हमें पता है कि सी का प्रीमियम जो होता है वो हमेशा कितना होता है टोटल गुडविल में उसका शेयर है 1/5। तो अगर मेरे को टोटल गुडविल निकालनी है उसके लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए पिछले 4 साल के, 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा, जर्नल एंट्रीज पास कर दो जल्दी से। 25 और 26, 5 मिनट है आपके पास दोनों क्वेश्चन डन करने के लिए, स्पीड में करो।
सर हाँ जी बेटा सर एवरेज प्रॉफिट में हमें दूसरा एवरेज प्रॉफिट 50,000 लॉस में दे रखा है तो इसे इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा ओके अगर आप लोगों के पास होमवर्क का बर्डन ज्यादा है ना बेटा पहले बता दो मैं ऑफ दे देता हूँ बट ऐसे प्लीज अपने साथ वो मत करो यार मेरी तरफ से होमवर्क ऐड होता जाएगा तुम लोग फंस जाओगे सारे के सारे और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और एक्स वाई जेड रीजन सबसे पहले तो अपनी लिमिट्स को पुश करना सीखो डन सर गुड प्रियांक तीनों हो गए या दो ही किए हैं अभी सर दो कर रहे हैं सर देख ले जब तक बाकी लोग दो कर रहे हैं तीसरा भी हो जाएगा तेरे से ठीक है डन सर बेटा आप भी थर्ड ट्राई करो तब तक साहिल सोनल आपको क्लियर हो गया बेटा ये वाला टॉपिक यस सर ठीक है अब आता है बेटा हमारे पास सेकंड मेथड जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या लिखा होगा कि टोटल गुडविल जो है वो एक्स ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट्स के सुपर प्रॉफिट्स को बेटा डिफाइन किया जाता है एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट हमें एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग पता है क्या होता है हमें जानना है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है अगर हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया तो हमें सुपर प्रॉफिट जो है वो क्लियर हो जाएगा क्या चीज है सो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो आपको पता होता है कि आप एक्स अमाउंट की कैपिटल लगाओगे तो उस पर यूजुअली आपको कितने परसेंट तक का प्रॉफिट हो जाएगा वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है कि बाकी सारी फर्म्स जिनकी एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है उन्हें कितने रुपीज के प्रॉफिट होते हैं कहने का मतलब क्या है कि सपोज अगर मेरी कैपिटल 10 लाख है और मुझे पता है कि इस बिजनेस के अंदर हर कोई 10% प्रॉफिट मार्जिन तो हम कमा ही लेता है सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10% का यानी कि मुझे इस साल के अंदर 1 लाख रुपए तक का तो प्रॉफिट हो ही जाना चाहिए ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट किसी को नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग क्लियर ना हुआ हो तो बेटा आप पूछ सकते हो मुझे नहीं हुआ दोबारा बताओ देखो आप जब भी कहीं पे भी किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो कि हमें सपोज क्लोथिंग का काम करना है आपको एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है ना कि इतने का होगा अगर मैं इतनी कैपिटल लगाऊंगा तो
जैसे कि सपोज मुझे एनएसपी पे कोई खाने की वो खोलनी है, एक नया हमें वो करना है, मोहित को अपना कोई खोलना है सपोज, मोहित क्रंच करके, ठीक है। अब मोहित ने सर्वे किया, मोहित ने देखा कि कौन कौन कितने कितने रुपए लगा के वहां पे कितना रुपया कमा रहा है, तो इसने देखा कि हर कोई 10% तो कमाई लेता है जितने भी वो पैसे लगाता है। हाँ जी सोहा सर, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, बीच में ब्रेक हो रही है बहुत। तो मेरा ये कह रहा था बेटा मैं कि सपोज मोहित ने वहां पे एनएसपी पे एक अपना कुछ खाने का फूड पार्लर इसने स्टार्ट करना है मोहित क्रंच के नाम से। मोहित ने एक सर्वे किया वहां पे बहुत सारे खाने पीने की जगह है, तो उसने देखा कि जिसने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है उसे 50,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो रहा है, 8 लाख वाले को 80,000 तक का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसने एक चीज समझ ली कि इस इंडस्ट्री में या यहाँ पे आप जितना भी पैसा लगाओगे आपको उसका 10% अमाउंट का प्रॉफिट मिल ही जाता है नॉर्मली। तो इसने कैपिटल लगाई 10 लाख की, दैट मींस इसका नॉर्मल प्रॉफिट अगर समझा जाए कितना कमा लेगा, 1 लाख रुपए का। किसी को कोई डाउट के नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? अब ये भी एक एस्टिमेशन ही होती है कि नॉर्मली वहां पे हर कोई कितना अर्न कर रहा है, ये एक सर्वे पे बेस्ड होता है और हमें पता है स्टैटिस्टिक्स हमेशा करेक्ट नहीं होती, ये एक एस्टिमेट होता है नॉर्मल प्रॉफिट का। किसी को कोई डाउट नॉर्मल प्रॉफिट में? नो सर। ठीक है, अब सपोज इसने अपने 4 साल के प्रॉफिट्स जो हैं इसने देखे, एवरेज निकाली, वो आ रही थी 1,25,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है, तो इसे नॉर्मली हर साल कितने रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था? 1 लाख। बट इसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 1,25,000 का। तो 25,000 जो है इसके लिए क्या हो जाता है? सुपर प्रॉफिट, जो कि ये नॉर्मल से भी ज्यादा कमा रहा है। किसी को कोई डाउट? कौन सी चीज बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट बेटा है कि देखो इसे नॉर्मली अगर देखा जाए 4 साल के अंदर, ये हर साल अगर 1 लाख रुपए कमाता तो इसकी एवरेज अगर देखी जाए 4 साल की वो कितनी आ जाती? 1 लाख। यस सर। और इसको प्रॉफिट एक्चुअल में कितने हो रहे हैं, एवरेज जो इसने निकाली है वो है 1,25,000। तो 25,000 जो ये ज्यादा कमा रहा है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स, वो जो है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सुपर प्रॉफिट। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि सुपर प्रॉफिट इज एपी, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर और अगर सुपर प्रॉफिट कम हो तो, मतलब एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम हो तो? उस केस में बेटा आप ये वाली वैल्यूएशन लगा ही नहीं सकते हो गुडविल की कैलकुलेशन की। कहने का मतलब है सपोज देखो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ कि गुडविल जो है 4 ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट के, मैंने सुपर प्रॉफिट निकाला 25,000, यानी कि इसने पिछले 4 साल के अंदर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए होंगे। हर yes, कोई sir. हर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर जो 10 लाख की कैपिटल लगा रहा है वो 1 लाख रुपए कमाता है, बट ये 1,25,000 कमाता है, तो ये 25,000 एक्स्ट्रा क्यों कमा रहा होगा आपके हिसाब से? क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा होगा, ये इसकी गुडविल हो जाती है फिर। समझ में आया कि अगर इसने 4 साल यहाँ पे काम किया है तो इसकी टोटल गुडविल मार्केट में कितने की हो गई? 1 लाख रुपए। ये सुपर प्रॉफिट है, मेथड है। ओके सर। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है बेटा वो आपने अभी अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, आप अटेम्प्ट करो, या कहते हो तो मैं करके दूं पहला। श्रेया हो जाएगा या मेरा करवाने की जरूरत है? एक करके दिखा दो। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। पी और क्यू इक्वल पार्टनर्स हैं, आर अंकल आए हैं 1/10 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम पी ओनली। ठीक है, पी और क्यू इक्वल आर आया 1/10 के लिए और ये पी का सेक्रीफाइसिंग शेयर है, यानी सिर्फ पी को प्रीमियम देना है हमने। आर 1,20,000 की कैपिटल ला रहा है, नथिंग फॉर गुडविल ला रहा है, पूरी फर्म की गुडविल है 2 × सुपर प्रॉफिट,
टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज ट्वाइस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स. क्वेश्चन में हमें नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है और एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है, तो हम डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं. एवरेज प्रॉफिट है 85,000 का, सुपर प्रॉफिट है हमारे, सॉरी नॉर्मल है 25,000, सुपर आ गया हमारे पास 60, टोटल गुडविल हो गई 1,20,000 रुपए की. कोई डाउट? सर ये क्या लिखा है आपने, आर की 1/10 फिर उसके बाद ई का सैक्रिफाइसिंग शेयर. अच्छा 1,20,000 आर का शेयर है 1/10, यानी आर का जो प्रीमियम बनता है वो हो जाएगा 12,000 रुपए का, जो कि वो लेके नहीं आया. एक बार रिकनेक्ट करो, टाइम अप होने वाला है. और ये क्या लिखा है, एक बार ही रिकनेक्ट करो.